आपका श्री देव हनी फार्म के YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में अपने एक नए शहद के बारे में बताएंगे। जैसे हम हर बार आपको अलग अलग शहद के बारे में, अलग अलग फ्लावर के बारे में, अलग अलग वैरायटी के बारे में बता रहे हैं, तो पिछली बार जैसे हमने कश्मीर शहद के बारे में आपको बताया, इस बार हम आपको ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से हमारा एक वैरायटी है जो हमें नेपाल के बॉर्डर, बिहार के वहाँ से, बिहार और नेपाल का बॉर्डर लगभग मिला हुआ है आपस में, वहीं से हम नेपाल में एंट्री करते हैं। तो वहाँ के जो जंगल हैं, वहाँ से जो कलेक्ट शहद होता है, वहाँ की एक जड़ी बूटी ये हैं, जो छोटी वनस्पति है, घास है, तो उनसे जो शहद हमें प्राप्त होता है, उस शहद को हमने ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से शहद दिया। क्योंकि इसको ब्लैक फॉरेस्ट क्यों कहा गया है ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें सेम ऐसे ही हमने इसके बारे में इस लीफलेट में भी दिया हुआ है और कैसे कैसे इसको यूज़ करते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, सेम चीज़ है इसके बारे में। तो ब्लैक फॉरेस्ट इसको नाम इसलिए दिया है सर, जब ये शहद कलेक्ट किया जाता है, ये शहद एक्सट्रैक्शन किया जाता है, निकाला जाता है फार्म से, तब इसका कलर होता है ब्लड के कलर जैसा, खून के कलर जैसा, बिल्कुल लाल रेडिश में। अब उसके बाद जैसे जैसे ये शहद थोड़ा रखा रहेगा तो ये अपना कलर चेंज करता रहता है और ये बिल्कुल ब्लैक कलर में आ जाता है। अगर आप देख रहे हो इस वीडियो में, आपको ये दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, ये ब्लैक आ जाता है। अब इसलिए हमने इसका ब्लैक फॉरेस्ट नाम रखा है। और इस शहद के भी सेम वही बेनिफिट हैं, अलग अलग वो हैं, क्योंकि जैसे अब दूध है, जैसे गाय का दूध है, आपका भैंस का दूध है, बकरी का दूध है, ठीक है जी, अलग अलग पशुओं का दूध है, जैसे उनके भी बेनिफिट हैं, दूध है पर दूध तो मिल्क तो मिल्क है, इसी तरह शहद शहद है, इसके अलग अलग बेनिफिट हैं। इसका जो टेस्ट है, इसका टेस्ट आएगा आपको जैसे मसालों एक चटपटा सा, यानी कि एक टेस्ट, जैसे मसालों से टेस्ट आता है चटपटा सा, थोड़ा मिर्ची से टाइप, ऐसा टेस्ट आएगा इसका। इसका आप जैसे शहद से हम उम्मीद करते हैं, शहद अगर दिमाग में आ गया कि शहद है तो हम उम्मीद करते हैं कि वो मीठा होगा, लेकिन नहीं। जैसे अभी मैंने आपको पिछली कई वीडियो में बताया है कि जामुन का शहद है आपका, नीम का शहद है, अजवाइन का शहद है, तो वो कसैलेपन में, हल्का सा कसैलेपन पर होता है, लेकिन लीची का शहद है आपका, मल्टीफ्लोरा का शहद है, कश्मीर का शहद है, वो मीठेपन पर होता है, उसमें मिठास थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसी तरह ये ब्लैक फॉरेस्ट जो हमारा हनी है, इसमें आपको एक मसालों से का टेस्ट आएगा, एक अलग सा टेस्ट है इसका, और इसकी डिमांड अलग ही रहती है हमारी ना। आप इसको किसी भी तरह, जैसे गर्म पानी में नॉर्मली से हम लोग और जो इसके यूज़ कर रहे हैं, वो इसको थोड़ा सा गुनगुने पानी में सर्दियों में एक चम्मच डाला और शहद का यूज़ किया, और इसको जब टेस्ट पड़ जाता है तो वो डिमांड भी इसी की करते हैं। ये शहद निकलता कम है क्योंकि जब इसका मौसम आता है तो उस टाइम फ्लावरिंग के टाइम कई बार मौसम क्लाइमेट बन जाता है, कई बार नहीं बनता, इसलिए इसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा है, हमें भी ये कॉस्ट इसकी महंगी पड़ती है और ये कम क्वांटिटी में वहाँ से निकलता है। तो इसी तरह हम आगे भी आपको वीडियो में अपने अलग अलग वैरायटी के बारे में, अलग अलग शहद के बारे में बताएंगे, और जैसे जैसे आपको एक तरह से वही मैं आपको बता रहा हूँ कि फार्म पे जाके आपको दिखाएंगे कि ये ऐसे है, ठीक है सर। तो अब इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, आप इसको लाइक करें, शेयर करें जितना से जितना हो ज़्यादा हो सके, और आपका धन्यवाद।